जब महिषी दधीची के मांसपिंड का दाह संस्कार हो रहा था तो उसकी पत्नी अपने पति के वियोग को सहन नहीं कर पाई और पास में ही स्थित विशाल पीपल वृक्ष के कोटरे में 3 वर्ष के बालक को रख स्वयं चिता में बैठकर सती हो गई। इस प्रकार महर्षि दधीची और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया। पीपल के कोटरे में रखा बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु नहीं मिली तो कोटरे में गिरे पीपल के फलों को खाकर बड़ा होने लगा। कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक का जीवन येन केन प्रकीर्ण सुरक्षित रहा। एक दिन देवर्षि नारद वहां से गुजरे। नारद ने पीपल के कोटरे में बालक को देखकर उसका परिचय पूछा। नारद, बालक तुम कौन हो? बालक ने कहा, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। नारद ने कहा, तुम्हारे जनक कौन है? बालक, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। तब नारद ने ध्यान धर देखा। नारद ने आश्चर्यचकित हो बताया, हे बालक, तुम महान दानी महर्षि दधीची के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी। तुम्हारे पिता दधीची की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की वय में ही हो गई थी। बालक, मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? नारद ने कहा, तुम्हारे पिता पर शनि देव की महादशा थी। बालक ने फिर पूछा, मेरे ऊपर आई विपत्ति का कारण क्या था? नारद ने जवाब दिया, शनि देव की महादशा। इतना कहकर देवर्षि नारद ने पीपल के पत्तों और गोंदों को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिपलाद रखा और उसे दीक्षित किया। नारद के जाने के बाद बालक पिपलाद ने नारद के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिपलाद से वर मांगने को कहा तो पिपलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी वस्तु को जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी से वरदान मिलने पर सर्वप्रथम पिपलाद ने शनि देव का आह्वान कर अपने सम्मुख प्रस्तुत किया और सामने पाकर आंखें खोलकर भस्म करना शुरू कर दिया। शनि देव सशरीर जलने लगे। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्य पुत्र शनि की रक्षा में सारे देव विफल हो गए। सूर्य भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से बचाने हेतु विनय करने लगा। अंततः ब्रह्मा जी स्वयं पिपलाद के सम्मुख पधारे और शनि देव को छोड़ने की बात कही, किंतु पिपलाद तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वरदान मांगने की बात कही। तब पिपलाद ने खुश होकर निम्न 2 वरदान मांगे। पहला कि जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, जिससे कोई और बालक मेरे जैसा अनाथ ना हो। और दूसरा, मुझ अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दी है, अतः जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह वरदान दिया। तब पिपलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्म दंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनि देव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वो पहले की तरह चलने के लायक नहीं रहे। अतः तभी से शनि सैनचरित या सैनिश्चर अर्थात जो धीरे चलता है वही सैनिश्चर है कहलाए, और शनि आग में जलने के कारण काली काया वाले अंग भंग रूप हो गए। संप्राति शनि की काली मूर्ति और पीपल वृक्ष की पूजा का यही धार्मिक हेतु है। आगे चलकर पिपलाद ने प्रश्न उपनिषद की रचना की, जो आज भी ज्ञान का वृहत भंडार है। ऐसे ही सुंदर कथाओं का निरंतर श्रवण करने के लिए अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की कथा आपको कैसी लगी नीचे बने कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हम मिलेंगे सुंदर कथाओं के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।